नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रहे क्राइसिस के बारे में। ये क्राइसिस आखिर में है क्या और ये क्राइसिस इतना बड़ा क्यों है, इस क्राइसिस के रीजंस क्या हैं और लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स ले सकती है इस क्राइसिस को दूर करने के लिए। इस क्राइसिस के चलते 10 लाख नौकरियां जो हैं वो खतरे में हैं और इसी कारण ये जो इशू है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसी वजह से इस इशू पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है और इसीलिए हम अपने इस वीडियो में इस टॉपिक को ठीक से एनालाइज करेंगे, इसके पीछे के कारण को समझेंगे और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है उसको भी हम समझेंगे। देन लेट्स बिगिन अवर टॉपिक ऑफ टुडे। तो दोस्तों, रिसेंटली ये चीज़ न्यूज़ में थी और ये रिसेंट की न्यूज़ है हमारे पास 24 जुलाई 2019 की। इस दिन अखबार में ये छपा है, द हिंदू के अखबार में, कि ACMA, ये एक कार मैन्युफैक्चरर का एसोसिएशन है जिसमें मारुति, टाटा, TVS, महिंद्रा, जितनी भी हमारी गाड़ी बनाने की जो कंपनीज होती हैं वो एक साथ कोलैबोरेट करती हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट के सामने अपने जो इशू रखना होता है उनको रखती है, तो इसके लिए ये एसोसिएशन बनाया गया है। और इस एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को कहा है कि लगभग 1 मिलियन जॉब्स जो हैं वो अंडर थ्रीट है, यानी खतरे में है, यानी आने वाले समय में अगर ये क्राइसिस का इलाज नहीं किया गया तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से 10 लाख नौकरियाँ गायब हो सकती हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये 10 लाख नौकरियाँ जो हैं इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करती होंगी, तो इसी वजह से इससे हमारी ग्रोथ रेट भी गिर सकती है। और तो और, जो कार से रिलेटेड यानी जो व्हीकल से रिलेटेड काम होता है उसमें दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर कार को हमें पेंट करना होगा तो पेंट इंडस्ट्री, हमें उसके लिए स्टील चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हमें स्टील के लिए भी अलग से यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ग्लास, रबर, प्लास्टिक और साथ ही साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे पास एयर कंडीशनर चाहिए होता है कार में और इसी तरीके से हमें बल्ब या दूसरी चीज़ें। तो इन सब ओवरऑल सेक्टर्स के लिए भी कार इंडस्ट्री का ठीक से काम करना काफ़ी ज़रूरी है, इन सारी इंडस्ट्रीज़ के सर्वाइवल के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इशू है वो काफ़ी बड़ा है और इसका जो इम्पैक्ट होगा, ये जो 1 मिलियन यानी 10 लाख जॉब्स खतरे में है, इससे भी इसका जो है एक तरीके से रिपरकशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और तो और दोस्तों, यहाँ पर USA और चाइना के ट्रेड वॉर के कारण भी हमारे जो पैसेंजर कार एक्सपोर्ट्स थे उनमें कमी आई है और ये जो न्यूज़ है ये हमारी 18 फरवरी 2019 की है। तो एक तरीके से हमारा जो कार की सेलिंग है वो हमारे देश के अंदर के मार्केट में भी कम होती जा रही है, काफ़ी रैपिडली तेज़ी से कम हो रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेन लेवल पे तो वहाँ पर भी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है, तो इसी वजह से ये जो इशू है काफ़ी हमारे पास क्रिटिकल हो जाता है। फॉरेन मार्केट में जो कार की सेलिंग है उसके ड्रॉप होने का एक कारण ये भी है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कई तरीके की न्यू इनिशिएटिव्स ले रही है। न्यू इनिशिएटिव्स के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हमारे देश से ज़्यादा जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम अपने व्हीकल्स को बेचते हैं वो कई तरीके के इनिशिएटिव्स हमसे काफ़ी अच्छी तेज़ी से ले रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को वो काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। हमारे देश में अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक तरीके से चालू नहीं हुई है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सके, तो यहाँ पर हमें जब ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स गाड़ियाँ रिप्लेस कर रही हैं पैसेंजर व्हीकल्स को तो हमारे पास वो चीज़ है नहीं उनको देने की और इस वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट जो है धीरे धीरे गिर रहा है। उसके अलावा जो दूसरे देश की कंट्रीज़ हैं वो हाइड्रोजन इकोनॉमी पर भी काम कर रहे हैं और मैंने ये आपको अपने मेथेन इकोनॉमी वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप मेथेन इकोनॉमी वाली वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन इकोनॉमी के चलते जो हम पैसेंजर व्हीकल्स अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उस लेवल की तो आने वाले समय में भी हमारे जो व्हीकल यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको काफी ज्यादा नुकसान होगा। और इसके अलावा दोस्तों, दूसरी काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेती रहती है अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेफगार्ड करने के लिए, तो इस वजह से हमारा जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी जो शेयर है वो लगातार हमारा गिरता जा रहा है और इसी वजह से ये जो इशू है काफ़ी क्रिटिकल बन जाता है।
दोस्तों सिचुएशन कितना क्रिटिकल है उसको और अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो डेक्लिनेशन हो रहा है सेलिंग का वो हर सीगमेंट में हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है उसने भी अपना 6% का डेक्लिनेशन देखा है। साथ ही साथ जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उस सीगमेंट में भी 13.56% की गिरावट आई है, और साथ ही साथ जो हमारे लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें भी 1.10% की कमी आई है सेलिंग में। साथ ही साथ दोस्तों ये तो हो गया हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड कॉमर्शियल पर्पज से रिलेटेड व्हीकल्स में कमी। इसके अलावा जो इंडिविजुअल पीपल्स हैं जो टू व्हीलर खरीदना पसंद करते हैं वो भी अब टू व्हीलर खरीद नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये कि जो उनकी इंडिविजुअल इनकम है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही है और वो अब ज़्यादा बाइक नहीं खरीदना चाह रहे। उसके अलावा स्कूटर्स की जो सेल्स है उसमें भी कमी आई है, काफ़ी भारी कमी आई है 25.89% की, और साथ ही साथ मोटरसाइकिल्स मोपेड्स इनकी भी सेलिंग में कमी आई है। तो इस तरीके से जो व्हीकल्स के हर सीगमेंट है उन सब जगह कमी आ रही है, यानी यहाँ पर ओवरऑल प्लान बनाकर हमें ये देखना पड़ेगा कि हर सीगमेंट को हम कैसे अलग अलग तरीके से ग्रो करने की कोशिश करें, इसीलिए ये एक काफ़ी क्रिटिकल काम बन गया है गवर्नमेंट के लिए। तो अब दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि इस सिचुएशन के पीछे आखिर रीजन्स क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों अब वन बाय वन हम सारे रीजन्स को समझेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों NBFC क्राइसिस जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एक तरीके से इस सिचुएशन के लिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि इसी सिचुएशन के कारण जो फंड का क्रंच होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मार्केट में फंड की कमी हो गई, यानी लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गई, और इसी लिक्विडिटी प्रॉब्लम की वजह से लोगों को जो पैसे मिलने थे वो सही से मिल नहीं पाए, एक तरीके से लोगों के पास पैसे की कमी हो गई। और जो ये NBFC क्राइसिस हुआ यहाँ पर जो पैसे डूबे अब उसको रिकवर करने के लिए जो बैंक को ज़रूरत पड़ेगी या दूसरे जो सोर्सेज को ज़रूरत पड़ेगी वो कहीं और से पड़ेगी, और इसी कारण उनको हर चीज़ों पर इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ गया। और ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा हाई थे NPA और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से ये इंटरेस्ट रेट और हाई हो गया, और इसी वजह से दोस्तों एक तरीके से जो पहले EMI करवाते थे लोग अब उनको EMI जो है वो ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर। तो इससे एक चीज़ ये हुआ कि अब इससे कॉस्ट बढ़ गया व्हीकल्स का और लोगों को ये जो प्रॉब्लम हुई इस वजह से उन्होंने सेलिंग थोड़ी कम कर दी। उसके अलावा दोस्तों एक इंश्योरेंस कॉस्ट आता है, हमारा जो व्हीकल का रेट होता है वो ऑफ रोड और ऑन रोड होता है, ऑन रोड यानी रोड पर चलाने के लिए व्हीकल्स का हमें इंश्योरेंस कराना पड़ता है, और ये दोस्तों इंश्योरेंस प्लस दूसरी जो काफ़ी टैक्सीज होते हैं गवर्नमेंट के वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक 50,000 का व्हीकल अगर यह बाइक खरीद रहे हैं तो ये ऑफ रोड 50,000 की होगी, यानी कंपनी इसको 50,000 में बेचने के लिए तैयार है आपके लिए, लेकिन अगर आप इसको रोड पर चलाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इंश्योरेंस कराना होगा और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। तो ये तकरीबन हो जाता है 30,000 से 35,000 रुपये, और इस बाइक का असली दाम हो जाता है एक तरीके से 80,000 से 85,000 रुपये, जो एक्चुअली में इतना ज़्यादा हाई होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हाई इंश्योरेंस कॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का टैक्स, एक 40,000-50,000 में बनने वाली बाइक का भी दाम जो है वो डबल से ज़्यादा कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन है, और ये कार और दूसरे जो व्हीकल्स हैं जो काफ़ी एक तरीके से लग्जरियस माने जाते हैं उनके लिए टैक्स जो है और ज़्यादा हाई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इतनी मार्केट में महंगी कैसे हो जा रही हैं। साथ ही साथ लोग जो हैं अब BS6 स्टेज के इंजन का इंतज़ार कर रहे हैं कि व्हीकल में जब ये इंजन के आने लगेंगे व्हीकल तब वो व्हीकल खरीदेंगे, तो ये भी एक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों अब लोगों में चॉइस का कॉलिजन हो रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को खरीदे या BS6 इंजन को खरीदे, किस तरीके की व्हीकल्स को वो खरीदें। और
साथ ही साथ अब दोस्तों ऑयल प्राइसेस भी बढ़ने लगा है, तो ऑयल प्राइसेस की वजह से भी लोग जो हैं वो उतना ज़्यादा व्हीकल को ख़रीदने की कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ पर दोस्तों एक सिचुएशन और है, अभी यहाँ पर हम मान लीजिए इंतज़ार कर रहे हैं हमारे देश के कुछ कस्टमर्स के BS6 इंजन हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो जाए या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाए तब वो गाड़ी ख़रीदेंगे, लेकिन दोस्तों इससे भी यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं होती कि आगे वो ख़रीद पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होंगे वो और ज़्यादा महंगे होंगे और BS6 इंजन जो होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इस इंजन के व्हीकल्स भी महंगे होंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है तो आइए वो समझ लेते हैं कि BS6 इंजन के व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होंगे वो महंगे क्यों होंगे। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट भले इंसेंटिव्स दे, लेकिन फिर भी इंसेंटिव्स देने के बाद भी वो एक तरीके से जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं उससे कम प्राइस कर पाने में अभी भी गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। दोस्तों गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए फैम नाम की स्कीम बना रखी है। ये फैम स्कीम होता क्या है इसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर BS6 इंजन का व्हीकल जो है वो कॉस्टली क्यों हो जाएगा उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए BS6 यहाँ पर जो इंजन के व्हीकल होंगे सिर्फ ये गाड़ी के इंजन में ही सुधार नहीं होगा, इसके अलावा जो इस इंजन को अलग से ऑयल चाहिए होगा उसके लिए भी इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जो ऑयल होगा उसकी अगर हमें रिफाइनरी करनी है तो इस ऑयल की रिफाइनरी का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट करके बताया है कि जो रिफाइनर्स हैं उनको तकरीबन 30,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं यहाँ पर खर्च करने होंगे अपने रिफाइनरीज पे। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको भी अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर से लेकर के जो मोल्डर्स होते हैं वो लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से चेंज करनी होगी, तो इससे उनका भी जो खर्चा होगा वो भी काफ़ी लाखों करोड़ों का आ जाएगा। अब दोस्तों जो ऑलरेडी इन्वेंट्री बना दी है कार कंपनीज ने वो मार्केट में अब बिक नहीं रही, और एक तरीके से इसमें अब इन्वेंट्री का जो कॉस्ट होगा वो भी जो कार कंपनीज चाहेंगी वो भी चाहेंगी कि अब जो वो व्हीकल किसी को सेल करे तो उसमें वो जो ऑलरेडी उन्होंने जो कार बना रखी थी वो नहीं बिकी उसका भी थोड़ा बहुत उनको जो कॉस्ट है रिकवर हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो प्रॉफिट होगा उनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा और इस तरीके से इंडिया की मार्केट में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो ये जो सिचुएशन है काफ़ी बड़ी हो जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट किसी को ऐड देती है तो ये एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा काफ़ी बड़ा। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर एक तरीके से फार विजन के हिसाब से सोचे कि हम इनको ऐड दे देते हैं और ऐड दे के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आगे जो कार कंपनीज है उनको एक तरीके से उतना ज़्यादा दाम नहीं बढ़ाना पड़ेगा अपने व्हीकल्स का, और जो ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो भी जो रिफाइनरीज हैं वो भी अपना ऑयल का दाम नहीं बढ़ाएंगी, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। लोग इसको फार्मर से जोड़ेंगे, जो दूसरे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उससे जोड़ेंगे, और एक काफ़ी बड़ा गवर्नमेंट के लिए डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर ये ऐसा चीज़ नहीं कर सकती। और दोस्तों अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती तो इसके जो रिपरकशंस होंगे वो काफ़ी बुरे होंगे, जैसे कि जो BS6 स्टेज का अगर व्हीकल हो तो उसके हिसाब से 25,000 से 50,000 जो पेट्रोल व्हीकल्स होंगे इस BS6 इंजन को कंप्लायंस करने वाले उसका 25,000 से 50,000 दाम बढ़ जाएगा, और जो डीजल वाले व्हीकल्स हैं उनका 1,00,000 से ऊपर दाम बढ़ जाएगा, तो इससे भी जो सेलिंग होगी उस पर फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए कि कोई अगर इंटरेस्ट रेट पर लेना चाहता है तो उसको अब 1,00,000 का और ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले से भी हाई हो गया है, तो एक तरीके से ये जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है, और फिर कोई व्हीकल रखना या ख़रीदना पसंद नहीं करेगा। उसके अलावा कई तरीके की जो डिवास्टेटिंग फ्लड्स आते हैं हमारे देश में उससे भी जो सेलिंग होती है वो कम हो जाती है। केरल के लोग जो हैं वो गाड़ियाँ ख़रीदना पसंद करते हैं, व्हीकल्स ख़रीदना पसंद करते हैं, लेकिन डिवास्टेटिंग फ्लड आ गया इस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई, और वो इस सिचुएशन में नहीं रहे कि वो कार खरीद सके या दूसरे व्हीकल्स खरीद सके, तो इससे भी सेलिंग जो है ओवरऑल नीचे गिरने लगी है। उसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ा रीज़न है हमारे
व्हीकल सेक्टर का नुकसान होने का, क्राइसिस में आने का, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रीजनल डिस्पैरिटी है। रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से कुछ सिटीज़ जो हैं वो मेगा सिटीज़ बन चुकी हैं, और जो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो अभी भी डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बैकवर्ड है। अब दोस्तों ये जो कार की सेलिंग भी होती है वो भी कुछ इसी तरीके से होती है। जो हमारे डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जो हमारे टॉप 10 सिटीज़ आ जा रहे हैं, जो काफ़ी डेवलप्ड है एक हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये तकरीबन 40% व्हीकल्स को खरीदते हैं। यानी जो टॉप 10 सिटीज़ हैं ये टोटल जो सेलिंग होती है उसका 40% खरीदते हैं। यहाँ पे आप ये मार्केट शेयर को कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इतने के तकरीबन आ जाएगा। तो 40% शेयर जो है वो सिर्फ 10 सिटीज़ का है, यानी 10 शहरों का, और यहाँ पर जो रूरल एरिया में जो सेलिंग हो रही है कारों की वो लगभग सही हो रही है, उसमें उतना डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा, उसमें डेक्लिनेशन नहीं आ रहा उतना। तो एक तरीके से जो रूरल इंडिया है वो कारों को अभी ठीक तरीके से खरीद रहा है, वहाँ पे सेलिंग कम नहीं हुई है, लेकिन जो ओवरऑल सेलिंग कम हुई है वो इन सिटीज़ में ही हुई है, और इन्हीं सिटी का जो है एक तरीके से वेटेज है, जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 40% हो जा रहा है, और इसी वजह से जब यहाँ पर कमी आएगी तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो दोस्तों जो हमारे देश में जो कार व्हीकल्स की जो कमी आई है सेलिंग में, वो इस वजह से आई है क्योंकि ये जो टॉप 10 सिटीज़ हैं अब वो उस तरीके से व्हीकल्स नहीं खरीद रही जैसा आज से 2-3 साल पहले खरीदती थी। यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड भी चेंज हुआ है, और इसके पीछे काफ़ी कुछ दूसरे रीजन्स भी हैं। तो आइए इस रीजन को भी हम समझ लेते हैं जिससे कार कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों ये हैं कुछ रीजंस। जैसा कि आपने देखा टेबल में कि दिल्ली का जो शेयर है वो तकरीबन 11% है। अब दोस्तों अगर दिल्ली अपनी सेलिंग जो है वो आधी कर देता है इन प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि ट्रैफिक एंड पार्किंग इश्यूज़, उसके अलावा जो ओला एंड ओबर का नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, साथ ही साथ मेट्रो एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सारे मेगा सिटीज़ का यही हाल है। यहाँ हर मेगा सिटीज़ में जो टॉप 10 की हैं उनको यही प्रॉब्लम है, व्हीकल्स को रखने के लिए पार्किंग इश्यूज आ जा रहे हैं, कहीं पे भी ले जाते हैं तो पार्किंग की दिक्कत आती है, और अगर चला रहे होते हैं तो रोड पे ट्रैफिक की दिक्कत आती है। तो एक तरीके से लोगों के लिए अब कार लेना पनिशमेंट से कम नहीं है, उनको अपना काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद करना पड़ता है इन दो इशू के पीछे। उसके अलावा अब ओला एंड उबर जैसे जो नेटवर्क हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुके हैं। आज ओला और उबर की फैसिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है, 5 से लेकर के 10 मिनट में व्हीकल्स जो हैं वो आपको दिल्ली में कहीं पे भी मिल जाएगा। तो इनकी फैसिलिटी जो है काफ़ी अच्छी हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो चुका है। तो अब लोग जो हैं एक तरीके से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये जो कार रखने से काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, और इसको आम आदमी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आम आदमी से लेकर के अब हाई क्लास के जो लोग हैं वो भी अब इन फैसिलिटीज़ का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ ही जो मेट्रो और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इन्होंने भी कार की सेलिंग को एक तरीके से इम्पैक्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों नो बेटर यूज़ बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों ट्रैफिक एंड पार्किंग इशूज़ की वजह से व्हीकल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर नहीं पा रहे जो ऑनर हैं इसके, और इसके अलावा उनको दिक्कत ये आ रही है कि इसका बेटर यूज़ हो नहीं पा रहा, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसको सर्विसिंग पे ले जानी होती है, उनको पार्किंग का जो कॉस्ट उठाना पड़ता है, साथ ही साथ जो ट्रैफिक में दिक्कत आती है वो इश्यूज़ हैं। तो एक तरीके से एक कार ओनर को अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो तकरीबन 800 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ उसका व्हीकल का पर डे का खर्चा है। दोस्तों ये पर डे का खर्चा है किसी भी कार ओनर के लिए, और दोस्तों इतना जो है इसका आधा तकरीबन 400-500 रुपये में उनका ओला और उबर से अब काम चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उनका जो है एक तरीके से कार ना रखने की वजह से एक तरीके से उनकी सेविंग भी अच्छी हो रही है, और वो एक तरीके से फैसिलिटी को अच्छे से एंजॉय भी कर पा रहे हैं। और दोस्तों लोगों का अब जो एटीट्यूड हुआ है चेंज हो गया है इन मेगा सिटीज़ में रहने वाले लोगों का, अब दोस्तों उनके लिए रेपुटेशन की बात नहीं रह गई है कार खरीदना, अब उनका ओपिनियन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इस वजह से भी लोग जो है अब उसको अपनी रेपुटेशन के लिए खरीदना पसंद नहीं करते। तो ये सिटीज़ की कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो जहां पर मेजर वेटेज है कार सेलिंग का वो कम हो गया, उस वजह से जो
इकोनॉमी पे है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्या हो इसका, जिससे कार सेलिंग्स को फिर से इम्प्रूव किया जा सके और हम अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्राइसिस से निकाल सके। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट का और साथ ही साथ जो कार कंपनीज हैं उन दोनों का काफ़ी इम्पोर्टेंट काम बनता है। सबसे पहले यहाँ पर जो BS6 व्हीकल्स हैं उनके कॉस्ट को कट करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर ऐड प्रोवाइड कराना होगा, और यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका जो विरोध करने वाले हैं उनको ये अच्छे से समझाकर अपने कॉन्फिडेंस में ले, ताकि ये ऐसा करने पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई बड़ा इशू ना बने। उसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर देख लिया हमने कि जो एक तरीके से रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को नुकसान हुआ है। अगर यहाँ पर सेलिंग जो होती सब जगह अच्छे से होती रहती तो इतना फॉल देखने को हमें नहीं मिलता। इसीलिए अब ज़रूरत ये है कि कार कंपनीज यहाँ पर नया पोटेंशियल सर्च करे और वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ को देखें, रूरल एरियाज़ को देखें और उनकी क्या ज़रूरत है उनकी ज़रूरत को समझकर फटाफट काम करना शुरू कर दें और उनके हिसाब से व्हीकल्स को डिज़ाइन करना अब शुरू करें। क्योंकि अब जो मेगा सिटीज़ हैं उनसे अब इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना कि अब यहाँ पर हमारी कार की जो सेलिंग होगी पहले की तरह हो सकती है, वो तो अब काफ़ी मुश्किल काम दिख रहा है, क्योंकि अब उनके एटीट्यूड में भी चेंज आने लगा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट को एक काम और करना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पॉलिसी है और BS6 इंजन जो स्टेज की इंजन की पॉलिसी है उसमें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। कोई भी पॉलिसी को एक दूसरे से ज़्यादा प्रेफर करने की अगर गवर्नमेंट कोशिश करेगी, एक दूसरे से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेगी, तो दूसरे सेक्टर को ऑटोमेटिकली नुकसान होना यहाँ पर एक तरीके से पॉसिबल होगा। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के हिसाब से सोचना होगा। जो सेक्टर ज़्यादा बेकार सिचुएशन में है, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर दे, और जहाँ थोड़ा ज़्यादा है उसको एक तरीके से दोनों तरीके से जो कार बन रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और BS6 इंजन की उनके कॉस्ट को बराबर करने की कोशिश रखे, ज़्यादा उसमें डिफरेंस ना रखे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इस हिसाब से सोचना होगा। और इसके साथ ही दोस्तों हमें कुछ अलग इनिशिएटिव्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले जो ओल्ड एज व्हीकल्स हैं हमारे, वो अभी 15 साल हैं या 20 साल हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए शायद 20 साल है, और जो हमारे वैसे वाले व्हीकल्स होते हैं जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं उनके लिए 15 साल है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो इसका एज है ओल्ड व्हीकल्स का उसको और कम कर दे, 15 साल से 12 साल कर दे। इससे भी दोस्तों आज के समय में काफ़ी सारी जो व्हीकल्स हैं वो स्क्रैपिंग के लिए भेजी जा सकती है, और इस तरीके से फिर से जो डिमांड होगी उसको बढ़ाया जा सकता है, तो इससे भी सेलिंग जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा करने से पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम ख़त्म होगी और काफ़ी दूसरी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है क्या और ये किस तरीके से काम करती है, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप आई बटन में देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट जो है अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम एक तरीके से कॉरपोरेशन चलाती है, जैसे दिल्ली में दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप देख सकते हैं दिल्ली के केस में दिल्ली के पास सिर्फ 3000 बसेज हैं, लेकिन उनको जो रिक्वायर्ड है वो 11000 बसेज की रिक्वायरमेंट है। तो एक तरीके से गैप आप देख सकते हैं कि 8000 बसेज जो हैं अभी और ज़्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है हर जगह की स्टेट गवर्नमेंट है वो देख सकती है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी देख सकती है कि किस तरीके से वो जो व्हीकल्स ख़रीदना है वो शुरू करे और अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को है एक तरीके से अच्छे से प्रमोट करे, जिससे एक तरीके से सेलिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इंसेंटिव्स और ईवीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए प्रॉपर इंसेंटिव्स का इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कट किया जा सके। यहाँ पर हमें इंश्योरेंस, GST, जो GST का टैक्स स्ट्रक्चर है वो, और इसके अलावा
बैंकिंग पर भी काम करना होगा। तो ओवरऑल अगर हम इस इन सब चीज़ों पर काम करें तो हम यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्राइसिस से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अब ये है हमारी इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर ही लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एस्पेक्ट बच गया है इस क्राइसिस वाले सेक्टर का तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। फर्दर वीडियोस आपके लिए हम लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी रिलीवेंट होगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।